मेड ऑफ, मेड फ्रॉम में क्या सही है, क्या डिफरेंस है, आइए आज हम लोग इस वीडियो में सीखेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मेड ऑफ की। मेड ऑफ में बताया है इट डिस्क्राइब्स एन ऑब्जेक्ट मेड फ्रॉम अ मटेरियल दैट हैज नॉट बीन चेंज्ड, या किसी ऐसी वस्तु को बताता है जो किसी ऐसी सामग्री से बनी है जिसे बदला नहीं गया है, यानी कि किसी एक मटेरियल से ही वो चीज बनी हो, केवल उसका शेप यानी कि उसका आकार बदला गया हो, तो उसमें हम यूज करेंगे मेड ऑफ का। जैसे कि फॉर एग्जांपल ये ऊपर दिस चेयर इज मेड ऑफ वुड, ये बनी लकड़ी से है, ये पूरी लकड़ी से बनी गई है, वुड से बनी है, केवल इसका आकार चेंज हुआ है। अब जैसे कि एग्जांपल लिखा है दिस टेबल इज मेड ऑफ वुड, ये टेबल दिख रही है ये आपको ये आपकी वुड से बनी हुई है, लकड़ी से बनी हुई है, केवल इसका आकार चेंज हुआ है। नेक्स्ट दिस रिंग इज मेड ऑफ गोल्ड, दिस रिंग इज मेड ऑफ गोल्ड, ये जो रिंग है ये बनी गोल्ड से है, केवल चेंज क्या हुआ है इसका शेप। नेक्स्ट अ हाउस इज मेड ऑफ ब्रिक्स, अ शर्ट इज मेड ऑफ कॉटन, यानी कि बनी वो एक चीज से है केवल उसका शेप चेंज हुआ है, तो हम इसके लिए यूज करेंगे मेड ऑफ का। अब चलिए देखते हैं मेड फ्रॉम का यूज कहाँ पे करते हैं। मेड फ्रॉम का यूज हम करेंगे इट डिस्क्राइब्स एन ऑब्जेक्ट मेड फ्रॉम अ मटेरियल दैट हैव बीन सिग्निफिकेंटली चेंज, यानी कि या किसी ऐसी वस्तु का वर्णन करता है जो किसी ऐसी सामग्री से बनी है जिसमें महत्वपूर्ण परिवर्तन किया गया है। मान लीजिए किसी ऐसी चीज को जिसको हम किसी ऐसी चीज को कम्प्लीटली ट्रांसफॉर्म कर देते हैं, चाहे वो कोई टेस्ट हो, चाहे वो कोई नेचर हो, चाहे वो कोई कलर हो या फिर कोई शेप हो, तो उसमें हम किस चीज का यूज करेंगे मेड फ्रॉम का। एग्जाम्पल है द वाइन इज मेड फ्रॉम ग्रेप्स, यहाँ पे ग्रेप्स को कम्प्लीटली चेंज कम्प्लीटली ट्रांसफॉर्म कर दिया गया है किसमें, वाइन में, तो इसका ये क्या हो गया पूरी तरह से चेंज हो चुका है। बटर इज मेड फ्रॉम क्रीम, चीज इज मेड फ्रॉम मिल्क, तो ये हो गया मेड ऑफ एंड मेड फ्रॉम का यूज। उम्मीद है आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। थैंक यू।